नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड मैट्रिक की कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आज से होगा रजिस्ट्रेशन। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। बरौनी और बांद्रा के बीच चलेंगी दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन। राजधानी पटना में एक कॉल पर होगा गाइडलाइन तोड़ने वालों पर एक्शन। बिहार सरकार ने केंद्र से की वैक्सीन की 30 लाख डोज देने की मांग। राज्य में मिड डे मील के बदले बच्चों को मिलेंगे अनाज। सुर्खियों के बाद अब खबरें को विस्तार से जानते हैं। BECIL ने विभिन्न पदों के लिए निकाली भर्तियां। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी कि BECIL में विभिन्न पदों पर 1670 वैकेंसी के लिए आवेदन की मांग की गई है। इसके तहत स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड कर्मियों की भर्ती की जाएगी। स्किल्ड कर्मचारी भर्ती के तहत इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और SSO की भर्ती की जाएगी। वहीं अनस्किल्ड के तहत असिस्टेंट लाइनमैन और सेमी स्किल्ड के अंतर्गत लिपिक की भर्ती होगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इलेक्ट्रिक ट्रेड, वायरमैन ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट, DCA, PGDCA, टाइपिंग, 8वीं या 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन भर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट BECIL.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अप्रैल तक है। बिहार बोर्ड मैट्रिक की कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आज से होगा रजिस्ट्रेशन। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा 10वीं या फिर मैट्रिक कंपार्टमेंट की परीक्षा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत जो छात्र मैट्रिक की परीक्षा में एक या दो पेपर में फेल हुए हैं, वे कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आज से 16 अप्रैल 2021 तक BSEB की आधिकारिक साइट biharboard.online पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इस संबंध में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया है। इसके साथ ही वैसे छात्र जो परीक्षा के लिए आवेदन करते समय नाम, लिंग या फिर जाति आदि में किसी तरह की त्रुटि होने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे भी कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बोर्ड ने उम्मीदवारों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर को भी जारी किया है, जिस पर संपर्क करके वे परीक्षा के फॉर्म ऑनलाइन मोड में जमा करने और आवेदन शुल्क का भुगतान करने में कठिनाई होने पर सहायता ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 0612223207422322257 और 2232239 है। बरौनी और बांद्रा के बीच चलेंगी दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन। बिहार के बरौनी और महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनल के बीच दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इसके तहत पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 16 अप्रैल से 28 मई तक प्रत्येक शुक्रवार को ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और पटना के रास्ते चलाई जाएगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन बरौनी से बांद्रा टर्मिनल के बीच 19 और 26 अप्रैल के अलावा 3, 10, 17, 24 एवं 31 मई को चलाई जाएंगी। दूसरी ट्रेन बांद्रा टर्मिनल से बरौनी के बीच गोरखपुर, बेतिया, मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएंगी, जो कि बरौनी से 13 अप्रैल से 1 जून तक प्रत्येक मंगलवार को चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि ये ट्रेनें महाराष्ट्र से श्रमिकों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जाएंगी। नवादा के ककोला जलप्रपात में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। नवादा जिले से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाले प्राकृतिक पर्यटन स्थल ककोला जलप्रपात की खूबसूरती को निहारने देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं और मौज मस्ती करते हैं। इसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में फ्रांसिस बुकानन ने 1811 ईस्वी में इस जलप्रपात को देखा था। अगर आप यहां आने की सोच रहे हैं तो गर्मी के दिनों में ही आए, क्योंकि यहां का पानी हमेशा ठंडा ही रहता है। इस ककोला जलप्रपात को देखने गर्मी के दिन में लोगों का हुजूम यहां जुटा होता है। परीक्षाओं पर भी दिख रहा है कोरोना का प्रभाव। राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा, मगर इस दौरान पूर्व में ही निर्धारित की गई परीक्षाओं को नहीं रोका गया है। इसके तहत नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में भी परीक्षाएं जारी हैं, मगर कोरोना के प्रकोप से परीक्षार्थियों पर भी इसका डर बना हुआ है। कोरोना की वजह से महज 50% स्टूडेंट ही शामिल हो पा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय ने 2 की जगह 4 सेंटर्स बनाए हैं, लेकिन स्टूडेंट परीक्षा देने नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि हर साल इस परीक्षा में 80% स्टूडेंट शामिल होते थे। NOU के कुलसचिव परीक्षा डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि हम अपने निर्धारित सिलेबस के अनुसार ही परीक्षा ले रहे हैं, सब्जेक्टिव परीक्षा हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आधे परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं।
मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग ने गर्मी व लू को लेकर बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि पटना समेत दक्षिण बिहार के ज्यादातर हिस्सों में पछुआ हवा चल रही है, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पटना के अधिकतम तापमान में 6 डिग्री का इजाफा हुआ है। विभाग के अनुमान के मुताबिक आज और कल यानी कि 13 अप्रैल से पटना के साथ साथ आरा, बक्सर, कैमूर, नालंदा, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, भभुआ समेत दक्षिण बिहार के ज्यादातर हिस्सों में हीट वेव का प्रकोप बना रहेगा और लू बहने की आशंका है। इसके अलावा अप्रैल महीने के अंतिम दिनों तक तापमान के 42 डिग्री के आसपास जाने के आसार हैं। राज्य में पूर्णकालिक हेड मास्टर और उनके पदों की स्वीकृति की मांगी गई जानकारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश निर्गत किया है, जिसके तहत 3 दिनों के अंदर मध्य विद्यालय में पूर्णकालिक हेड मास्टर और उनके पदों की स्वीकृति के बारे में अद्यतन जानकारी शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की बात कही गई है। गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों की मांग पर प्रदेश में सेवा शर्त अधिसूचित कर दिया गया है, जिसके तहत प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानाध्यापकों के पद पर सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, तो दूसरी तरफ आधे पदों को सीधी नियुक्ति से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अजीत अंजुम की। अजीत अंजुम एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। उन्होंने न्यूज 24 इंडिया टीवी चैनल में मैनेजिंग एडिटर के तौर पर काम किया है। साथ ही उन्हें उनके काम के लिए रामनाथ गोयनका एक्सलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से भी 2010 में सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने TV9 भारतवर्ष में भी अपना योगदान दिया। पत्रकारिता की दुनिया में अपना योगदान देने वाले अजीत अंजुम का जन्म 7 अप्रैल 1969 को बेगूसराय जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पूरी की थी। सन 1989 से वे लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बेगूसराय और दरभंगा से की थी, वहीं बैचलर्स डिग्री लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से पूरी की थी। बंगाल में मॉब लिंचिंग के मामले में किशनगंज के कई पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग के दौरान शहीद हुए बिहार के किशनगंज के पुलिस इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार की जान जाने के मामले में SP किशनगंज कुमार आशीष की अनुशंसा पर IG पूर्णिया द्वारा मौकाई वारदात से भागकर अपनी जान बचाने वाले सर्किल इंस्पेक्टर समेत पूरे पुलिस दल को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि किशनगंज सदर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पूरी टीम के साथ आरोपी को पकड़ने के लिए गए थे। ऐसे में टीम के अन्य सभी सदस्य सकुशल वापस आ गए, पर उनकी जान ले ली गई। परिजनों ने छापेमारी में गए अन्य अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के फोन के कॉल डिटेल निकालकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। राजधानी पटना में एक कॉल पर होगा गाइडलाइन तोड़ने वालों पर एक्शन। पटना में अगर कोरोना का नियम आपके सामने टूट रहा है तो तत्काल जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम को फोन लगाएं। बस 10 मिनट में बड़ा एक्शन हो जाएगा। इसके तहत पटना जिला प्रशासन ने लोगों से कोरोना महामारी में सहयोग की अपील करते हुए नियम को भी बताया है। DM डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि आम लोगों के सहयोग से ही इस बड़ी महामारी से बचा जा सकता है। अगर आपको कहीं भी कोई गड़बड़ी दिखे या फिर किसी की मनमानी नजर आए तो कंट्रोल रूम को फोन कर सकते हैं। यह 24 घंटे के लिए एक्टिव है और यहां 3 शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके तहत कोरोना कंट्रोल रूम के लिए नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिसका नंबर है 0612-1209-090-22190-55-22499-64-22190-80-22190-22470-15 जारी किया गया है। बिहार सरकार ने केंद्र से की वैक्सीन की 30 लाख डोज देने की मांग। कोरोना टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 30 लाख ज्यादा कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही है। PM मोदी के दिशा निर्देश पर कल रविवार से पूरे देश में जारी टीका उत्सव 14 अप्रैल तक चलाया जाना है। इसके तहत बिहार में प्रत्येक दिन वैक्सीन के करीब 4 लाख डोज लगाने का लक्ष्य है। ऐसे में अगले 4 दिनों में वैक्सीन के 16 लाख खुराक की जरूरत होगी। राज्य को हाल ही में शुक्रवार को 9 लाख डोज मिले हैं, लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान में हर रोज औसतन वैक्सीन की 2-3 लाख डोज की खपत हो रही है। ऐसे में यह कार्यक्रम किसी वजह से प्रभावित ना हो, इसके लिए वैक्सीन की मांग की जा रही है। बिहार के नियोजित शिक्षकों का जल्द होगा ऐच्छिक ट्रांसफर। राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने NIC के सहयोग से ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। इसके तहत खुद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि जल्द शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन हो सकेगा। हालांकि स्थानांतरण में महिला और दिव्यांग शिक्षकों को ही पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि बिना किसी परेशानी के वे अपनी सेवाएं दे सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक
डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की माने तो इसी महीने के 22 अप्रैल के बाद स्थानांतरण को लेकर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया जून माह तक पूरी कर ली जाएगी। सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ बिहार में निकला वारंट। बिहार के नवादा जिला उपभोक्ता फोरम ने जमाकर्ता को समय पर राशि वापस नहीं करने के मामले में सहारा इंडिया के चेयरमैन सहारा सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके अलावा सहारा बैंक के सेक्टर मैनेजर और रीजनल वर्कर रीजनल कार्यालय बिहार शरीफ के विरुद्ध भी वारंट को निर्गत किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नवादा के जवाहर नगर निवासी पूनम सिन्हा ने फोरम में बात दायर करते हुए कहा था कि उनके पति निर्मल कुमार सिन्हा ने सहारा इंडिया में पूर्व में जमा किए गए 12.04 लाख रुपए की राशि को भुगतान करने के बजाय दूसरी स्कीम में राशि जमा करने का दबाव बनाया गया। इस पर उन्होंने सहारा इंडिया के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में बात दायर किया, जिसके बाद फोरम के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ के SSP को गिरफ्तारी वारंट भेजते हुए सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया है। राज्य में मिड डे मील के बदले बच्चों को मिलेंगे अनाज। राज्य में कोरोना के काल में भी बच्चों को मिड डे मील योजना प्रभावित ना हो सके, इसके लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई करने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ मिलता रहेगा। बच्चों को मिड डे मील में अनाज के अलावे भोजन बनाने पर खर्च होने वाली राशि भी दी जाएगी। इसके तहत शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिलों को आदेश शीघ्र जारी किया जाएगा। मध्याह्न भोजन निदेशालय के निदेशक सतीश चंद्र झा ने बताया कि कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक बच्चे के अभिभावक को 8 किलो खाद्यान्न और भोजन बनाने के खर्च के एवज में राशि मुहैया कराई जाएगी। इसी तरह कक्षा 6 से 8 तक के प्रति विद्यार्थी को 12 किलो खाद्यान्न और राशि दी जाएगी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज हुए NAC की लिस्ट से बाहर। बिहार में NAC ग्रेडिंग के मामले में किसी भी विश्वविद्यालय के हालात अच्छे नहीं हैं। पटना विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों को सी ग्रेड मिल चुका है, तो 2 कॉलेज ऐसे भी हैं जिनकी अभी तक ग्रेडिंग नहीं हुई है। वहीं अब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को NAC की तरफ से झटका मिला है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 25 अंगीभूत कॉलेजों में से 12 कॉलेज ऐसे हैं जिनका 2019 में NAC ग्रेडिंग के लिए आवेदन ही रद्द हो गया था, जिसके बाद दोबारा इन कॉलेजों ने आवेदन तक नहीं किया है, जिस कारण ये NAC सूची से बाहर गए हैं। कॉलेजों को तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों को 2 लाख रुपए का फंड भी दिया है, लेकिन इन कॉलेजों की आवेदन प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कोविड दौर में सीमित तैयारियों का वक्त है, ऐसे में जल्दी ही आवेदन हो जाएगा। RJD ने किया आपदा प्रबंधन कमेटी में फेरबदल। कोरोना महामारी के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के नई प्रदेश कमेटी का ऐलान किया है। इसके तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की नई प्रदेश कमेटी का अनुमोदन किया है, जिसमें कई नए चेहरों को शामिल किया गया है। इसके तहत नई कमेटी में 9 उपाध्यक्ष, 1 प्रधान महासचिव, 9 महासचिव, 22 सचिव और 3 प्रवक्ता बनाए गए हैं। इस संबंध में RJD के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष PK चौधरी को फिर से नई कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारी सौंपी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर अब 21 अप्रैल तक टिकी रहेंगी निगाहें। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होना बाकी है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है, मगर EVM को लेकर अटका मुद्दा अभी भी तारीखों के ऐलान में बाधा बना हुआ है। वहीं अब इस मामले में पटना हाईकोर्ट कई सुनवाइयों के बाद 21 अप्रैल को सुनवाई करने जा रही है। इसके तहत अब सबकी निगाहें 21 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। इसके साथ ही इस दिन EVM पर फैसला होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इधर इस विवाद के कारण यह भी तय माना जा रहा है कि इस बार बिहार में अब तय समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। बिहार BJP ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। कोरोना वैक्सीन के मामले पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर बिहार भाजपा ने भी जुबानी हमला किया है। इसके तहत बिहार से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और राज्य के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। इसके तहत सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर देश में भय और भगदड़ का माहौल बनाने के आरोप लगाए हैं। वहीं नंदकिशोर ने कहा है कि कांग्रेस के युवराज इस बुलावे में ना रहें कि कोरोना काल में झूठ और फरेब की खेती करने से उनके सियासत में हरियाली आ जाएगी। अपनी अज्ञानता के आतंक से देश की जनता को परेशान न करें।
प्रशांत किशोर रखेंगे राजनीति में दोबारा कदम। बिहार की नीतीश सरकार के चुनावी सलाहकार रहे प्रशांत किशोर बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं इस बीच प्रशांत किशोर ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें वे दोबारा से राजनीति में आने की बात कह रहे हैं। इंटरव्यू में टीएमसी की जीत का दावा करते हुए पीके ने कहा कि वे एक बार फिर से राजनेता के रूप में वापसी करेंगे और वे हमेशा के लिए राजनीतिक रणनीतिकार नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार विफल होने के बाद अब वे दोबारा बेहतर तरीके से राजनीति की दुनिया में वापस आएंगे। अक्टूबर महीने तक देश को मिलेगी 5 और कोरोना वैक्सीन। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में चलाया जा रहा है। कई राज्य वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीन उत्पादन को कई गुना बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है, तो वहीं अब आने वाले 5 महीनों के बाद वैक्सीन की कोई कमी नहीं होने वाली है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस साल अक्टूबर तक भारत को 5 और कंपनियों की वैक्सीन मिल जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इनमें स्पुतनिक वी वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, नोवावैक्स वैक्सीन, जायडस कैडिला वैक्सीन और भारत बायोटेक की इंट्रानेसल वैक्सीन शामिल है। भारत सरकार इन वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सभी सुरक्षा और प्रभावकारिता को देखते हुए ही मंजूरी देगी। हालांकि अगले 10 दिनों में रूस की स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल को भारत में मंजूरी मिल सकती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। 1978 में भारत की पहली डबल डेकर रेलगाड़ी बम्बई के विक्टोरिया टर्मिनल से पुणे के लिए आज ही के दिन अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुई थी। 1885 में मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार राखल दास बनर्जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1621 में सिख गुरु तेग बहादुर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1801 में रंजीत सिंह ने खुद को पंजाब का महाराजा आज ही के दिन घोषित किया था। 2007 में पाकिस्तान ने ईरान गैस पाइप लाइन पर भारत को आज ही के दिन मंजूरी दी थी। 2014 में मशहूर गीतकार गुलजार को वर्ष 2013 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 1910 में भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा, गीतकार केदार शर्मा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1954 में प्रसिद्ध मार्क्सवादी नाटककार, कलाकार, निर्देशक एवं गीतकार सफदर हाशमी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। वहीं 1236 ईस्वी में दिल्ली का शासक इल्तुतमिश का निधन आज ही के दिन हुआ था। बॉलीवुड के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोरोना ने दी दस्तक। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के बाद अब कोरोना वायरस भोजपुरी स्टार्स को भी अपनी चपेट में ले रहा है। भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसकी जानकारी खुद आम्रपाली दुबे ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। फिलहाल आम्रपाली दुबे घर पर ही क्वारंटीन है। आम्रपाली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि मैं यहां आपको यह बताना चाहती हूं कि आज सुबह मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैं और मेरा परिवार हर आवश्यक सावधानियां बरत रहे हैं और मेडिकल केयर ले रहे हैं। चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। मेरे और मेरे परिवार को सिर्फ अपनी दुआओं में रखिएगा। हालांकि ये नहीं पता चल सका है कि आखिर वो किस दौरान संक्रमण की शिकार हो गई। जाने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने का आसान तरीका। अगर आपने भी अब तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो हम आपको इसका आसान तरीका बताते हैं, जिसके तहत मात्र 2 मिनट में ही आप अपने फोन से आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiafilink.gov.in पर जाना होगा, जिसके बाद आपको साइट पर लिंक आधार कार्ड का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना होगा। यहां आप सबसे ऊपर अपना पैन नंबर एंटर करें और इसके बाद आधार नंबर के साथ अपना नाम। अब आपको कैप्चा कोड मिलेगा, जिसे एंटर करना होगा। इतना करने के बाद लिंक आधार पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आप अपने आप सत्यापन होगा और आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। आज एक दूसरे से भिड़ेगी राजस्थान और पंजाब की टीम। आईपीएल सीजन 14 में आज राजस्थान रॉयल्स की टीम किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ खेलने वाली है। राजस्थान रॉयल्स की टीम नई विरासत तैयार करने के लक्ष्य के साथ आईपीएल 2021 में उतरेगी। हालांकि कमजोर भारतीय दल और विदेशी खिलाड़ियों पर अधिक निर्भरता से आईपीएल के पहले टूर्नामेंट की विजेता रही राजस्थान रॉयल्स को आगामी संभावनाओं को नुकसान हो सकता है। पिछले सत्र में अंतिम स्थान पर रहे रॉयल्स ने नए सत्र के लिए प्रबंधन और टीम दोनों में बदलाव किए हैं। टीम से रिलीज किए गए स्टीव स्मिथ की जगह संजू सैमसन को कप्तान बनाया गया है। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम बात सराफा बाजार की करें तो सोने का भाव 11 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,710 रुपए था, तो वही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,710 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव 66,900 रुपए प्रति किलो था, तो वही अगर हम पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें तो पेट्रोल का दाम राजधानी पटना में 92.89 रुपए प्रति लीटर था, तो वही डीजल 86.12 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बिंदेश्वर यादव, शंकर मुखिया, निधि गुप्ता, प्रशांत राय, विकास कुमार, संजय साह, दीपक कुमार, अवंतिका कुमारी, विक्रम राज, लवली कुमारी, दिव्य सिन्हा, राकेश गुप्ता, लक्ष्मी कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब यूं ही देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक तबादले की इजाजत देने का बिहार सरकार का फैसला सही है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।